अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और मैं जानता हूँ कि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हेजिटेट कर रहे होंगे पोको फोन को खरीदने से। और दोस्तों कह रहे होंगे कि भाई 20,000 रुपए का ऊपर का ये फोन है, मैं इसे कैसे खरीदूं, या फिर कह रहे होंगे कि 20,000 रुपए मैं इसमें वेस्ट क्यों करूं, और फिर सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं इससे कम दाम वाली फोन खरीद लूं, MI A2 खरीद लूं या फिर Redmi Note 5 Pro खरीद लूं। तो मैं आप लोगों से यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि यह जो फोन है यह एक बीस्ट है। सच में दोस्तों यह जो फोन है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फोन है और इस फोन की आप चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं, यानी कि बिना खरीदे हुए आप इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तब जाके आप इसे खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पोको फोन का हैंड्स ऑन होने वाला है और दोस्तों हैंड्स ऑन मीटअप हो भी रहा है, कई सारे शहरों में आज ही के दिन हो रहा है, लेकिन दोस्तों हमारे शहर पटना में कल होने वाला है। हालांकि कुछ और शहर है दोस्तों जहां पे इसका मीटअप हो रहा है और हैंड्स ऑन हो रहा है, तो आप चाहे तो वहां जाकर के आराम से इसका मीटअप का मजा ले सकते हैं और आराम से पोको फोन को ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उसी तरह से ट्राई इट बिफोर बाय इट। अगर आपको खरीदने में किसी भी तरह की हेजिटेशन है, अगर आपको खरीदने में किसी भी तरह की परेशानी है या फिर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल है, तो आइए हमारे मीटअप में कल शाम 4 बजे पटना बोरिंग रोड सर्विस सेंटर। जी हाँ दोस्तों, कल शाम पटना में 4 बजे यहाँ पे हमने मीटअप रखा है और वहां पे मैं भी आऊंगा और यह पोको फोन, अपना पोको फोन को भी लेते आऊंगा। हालांकि कुछ और पोको फोन्स आएंगे जो कि मीटअप के लिए स्पेशली आएंगे, हैंड्स ऑन कराने के लिए स्पेशली आएंगे, लेकिन दोस्तों मैं अपना पोको फोन भी वहां पे लेते आऊंगा और आप लोग वहां पे आसानी से अगर आप मीटअप में आते हैं तो कर सकते हैं हैंड्स ऑन। हालांकि दोस्तों कुछ और सिटीज में भी ये हैंड्स ऑन हो रहा है, कुछ सिटीज में आज ही हो रहा है और कुछ सिटीज में कल है, तो मैं आप लोगों को लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो कि MI कम्युनिटी की लिंक है और वहां पे जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको MI कम्युनिटी का ये जो लिंक है उस पर खोलना है और आपको जिस शहर के भी मीटअप में जाना है वहां पे जाकर के ज्वाइन पे टाइप करना है और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपको उस तारीख को चले जाना है, जहां भी होगा दोस्तों वहां पे वेन्यू भी लिखा होगा कि कहां पे मीटअप हो रहा है, तो वहां पे आपको चले जाना है मीटअप में और जाकर के पोको फोन का हैंड्स ऑन कर लेना है और आपको इसकी एक्सपीरियंस मिल जाएगी। ये जो बेस्ट है ये कितना जबरदस्त बेस्ट है दोस्तों, सच में बहुत ही झकास बेस्ट है। दोस्तों मैं कहूंगा कि आप लोग आइए हमारे पटना के मीटअप में, अगर आप पटना से हैं तो जरूर आइए और कल मीटअप को हम लोग सक्सेसफुल बनाते हैं और बहुत सारे लोग कल आने वाले मैं जानता हूं और पोको फोन के साथ बहुत ज्यादा खेलने वाले हैं, तो ये बात काफी अच्छी है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने आज सुबह सुबह एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि था शाओमी के कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि शाओमी के कॉन्टेस्ट में कैसे चीटिंग किया जाता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि मैं उसे प्रूफ नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, उतने सारे प्रूफ देने के बाद भी वो कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, उससे हम लोग बस अंदाजा लगा सकते थे कि हाँ चीटिंग हुई है, लेकिन दोस्तों हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते थे कि हाँ चीटिंग हुई है, इसलिए उस वीडियो का कोई भी तुक नहीं बनता है। मैंने इमाम शेख भाई से बात भी की और मैंने आप लोग को स्क्रीनशॉट भी दे दिया कम्युनिटी टैब में कि क्या मैंने उनको कहा है, तो आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने वो पोस्ट को डिलीट कर दिया, क्यों मैंने वो वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि दोस्तों हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन शाओमी वालों ने ऐसा कहा है मुझसे ऑफिशियली बात करके कि इमाम शेख को MI बैंड 3 MI बैंड दिया जाएगा, पता नहीं 1, 2, 3 कौन सा, लेकिन MI बैंड दिया जाएगा एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ऑटो लाइकर्स का इस्तेमाल किया गया इंस्टाग्राम पे पोस्ट को जीतने के लिए, लेकिन इसे हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते और ये सच्चाई है और इसी सच्चाई के साथ हमें जीना होगा और इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए दोस्तों मेरा वो वीडियो का कोई तुक भी नहीं बनता है। हालांकि शाओमी ने मुझसे नहीं कहा था उस वीडियो को डिलीट करने के लिए, शाओमी वालों ने बिल्कुल रिक्वेस्ट भी नहीं किया या फिर ना ही मुझे कहा कि डिलीट कर दो, मैंने खुद डिलीट कर दिया, क्योंकि दोस्तों अगर मैं प्रूफ नहीं कर सकता तो फिर वीडियो का कोई फायदा भी नहीं है। दोस्तों मैं शाहरुख, मुझे आप लोग बताना था इस मीटअप के बारे में जो कि कल होने वाली पटना में शाम को 4 बजे बोरिंग रोड सर्विस सेंटर में, तो अगर आपको आना है तो आ जाइए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का वीडियो देखने का शुक्रिया, वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस पे लाइक कमेंट कीजिए, थैंक यू।